Wo sind jetzt die Leute gekommen? Auf die Sign, at the toilet. Walk on the way, 1 minute. तो अब हम आ गए हैं माया बे बीच। यहाँ स्विमिंग अलाउड नहीं है, यहाँ से वॉक कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको प्रिजर्व किया हुआ है। तो इस पर आप ऐसे चलते चढ़ो, चलते चढ़ो। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से। बहुत ही सुंदर माया बे नेशनल पार्क, केदा मुले फिफोरा। Walk on the way 1 minute. Now Maya Bay. Okay. Okay. This side way. Yeah. Walk on the way Maya Bay side. Oh, okay. Thank you. स्नैक शॉप, यहाँ पे शॉप हैक कर स्नैक्स ले सकते हो आप यहाँ पे शॉप के। इधर वॉशरूम है, यूज कर सकते हैं, बट ये पब्लिक एरिया तो स्टिंकी होगा, उसने पहले बता दिया। यहाँ पे क्रैब, ये सब माया विस्टा सेंटर, कैब क्रैब और बेबी शार्क है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे स्विमिंग के लिए मना है बिकॉज गवर्नमेंट इनको वापस बसाया है। पॉल्यूशन के कारण ऐसे हो गए थे, तो कोरोना के बाद ये वापस से ठीक हो गए, मतलब यहाँ पे वापस बसने लगे, इसलिए बहुत ही सुंदर है। आप व्यू देख सकते हो, थोड़ा चलना आपको ज़्यादा पड़ेगा, आदत डाल के आए, प्रैक्टिस करके आए, बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा अगर आप दिल्ली में नहीं करते वॉक। बहुत ही सुंदर बनाया, इस ट्रेल को बस फॉलो करना पड़ेगा आपको, इसको फॉलो करते जाइए और आपको सुंदरता दिखती जाएगी। ये वाइट सैंड है माया बीच पे, पूरी तरह से देख सकते हो, टोटली वाइट सैंड। Jet ski, one jet ski, 1,000 baht in 20 minutes. Jet ski, one jet ski, you can go together 2 person. But every jet ski, when you wanna do it, for my team, I must to be safe for you first. Doesn't mean I must to send some staff go together with you.
for making safety for you first. Doesn't mean you can enjoy for doing it. If you would like to try to drive it by yourself, you can do it also. Now, but we have staff with you all the time. Now, and another one, parachute or parasailing. Parachute or parasailing on the island. Now, this 1,500 baht. Why? Very expensive. Because they make it safety 100%. So excited a little bit. Let ladies sit on the boat first, okay? Because right now boat will stuck. Now we wait. We cannot wait for water high tide. Now, gentlemen, wear water shoe right now. Follow me, please. For the ladies sit on the boat first, no? Gentlemen first, nah? Gentlemen first. आ गए हम लास्ट बीच पे जहाँ हम आराम से आप स्विमिंग कर सकते हो. यहाँ पर आप अम्ब्रेला के नीचे बैठ सकते हो. 150 है पर पर्सन पर अम्ब्रेला सॉरी नॉट पर पर्सन दो अम्ब्रेला के नीचे 150 रुपीज़. और खाने पीने का भी है बट जैसे बताया था कि एक्सपेंसिव होगा क्योंकि लोकल एरिया के साथ मिक्स कर. बाकी आपकी मर्जी. आपको जैसी वाटर स्पोर्ट्स करना है जैसे कि पारा सेलिंग ऐसा सारा कुछ आप यहाँ कर सकते हो जो भी आपकी मर्जी हो. जैसे यहाँ पे अलग अलग आप ट्राई भी कर सकते हो डिशेस. थोड़ा एक्सपेंसिव है. बियर भी पी सकते हो. स्नैक्स तो हमें फ्री में मिल रहा है शिप पे ही जिससे माय स्पीड बोट से लाइक वो वाटरमेलन कुकीज़ पानी और कोल्ड ड्रिंक फ्री में दे रही है. तो वो हमारा लगातार चल ही रहा है जब से हमने ट्रिप स्टार्ट की है. कितना भी पी लो कोई फर्क नहीं पड़ता. और यहाँ बहुत सुंदर सुंदर कैट्स भी हैं. बहुत ही सुंदर बीच. अलग अलग रेस्टोरेंट आप खाने पीने का यहाँ ट्राई कर सकते हो जो भी आपका मन हो. इस आइलैंड का नाम है खाइनाई आइलैंड. ये हमारा लास्ट आइलैंड है. इसके बाद आप इसके बाद हम वापस चले जाएंगे. हमारा ट्रिप आइलैंड का ख़त्म हो जाएगा. तो आप मैं ये रिकमेंड करूँगा आप स्पीड बोट लें. अगर आप बिग बोट लेंगे तो आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा. पैरासेलिंग करेगी. पैरासेलिंग अभी हम फुकेट की गलियों से जाएंगे खाना खाने. हमारा खाना ऑलरेडी प्री बुकड है ट्रैवल कंपनी की तरफ से. मोती महल डेलेस करके है यहाँ पे रेस्टोरेंट या इंडियन रेस्टोरेंट वहाँ पे ऑलरेडी बुकड है. तो चलिए हम मिलके पहुँच के आपको बताते हैं वहाँ का खाना कैसा था. ये थोड़ा अंदर का लोकल स्ट्रीट आपको थोड़ा व्यू करा देता हूँ.
थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा ये कैसा यहाँ का, यहाँ की रात कैसी दिखती है। यहाँ पे भी कुछ बार और मार्केट हैं थोड़े बहुत, ये भी आप घूम सकते हो आके रात में देख सकते हो। बाकी यहाँ पे होटल्स हर एक जगह पे हैं, तो होटल्स मिल जाएंगे आपको, थोड़े से बार्गेनिंग करनी पड़ेगी अगर आपको चाहिए तो, और करेंसी एक्सचेंज भी हर जगह पे, तो आप वो भी कर, तो आपको करेंसी एक्सचेंज की प्रॉब्लम नहीं होगी। दवाइयों की फार्मेसी है यहाँ पे, वहाँ आप खरीद सकते हो। आपकी नाइट लाइफ है फुकेट की, आप मतलब रात भर फुकेट खुला होता है, फुकेट मार्केट जैसे 3 बजे 4 बजे तक भी खुला रहता है रात, और सब कुछ मिलता रहता है यहाँ पर। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ की नाइट लाइफ की तरफ। यहाँ पे आप नाइट शॉपिंग भी कर सकते हैं, सारा कुछ खुला हुआ है। मिनिमम टुक टुक का भाड़ा 200 बाट है। पटोंग बीच फुकेट थाईलैंड का नाइट लाइफ।